विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नन्हे कदम टीम के द्वारा सिवान जिले में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला न्यायाधीश कैंपस, जिला मंडल कारा सहित सिवान के विभिन्न जगह पर पौधारोपण किया गया। ठीक है, पर्यावरण तो हम लोग के लिए जरूरी है, जैसे भोजन पानी जरूरी है, वैसे वातावरण की शुद्धि के लिए पेड़ पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों से कि पेड़ जरूर लगाएं आज के दिन? हाँ, जरूर लगाएं। जिस तरह कोरोना काल में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, आवश्यक है, जैसे भोजन पानी हम लोग के लिए आवश्यक है, वैसे ये पर्यावरण की सुरक्षा करना आवश्यक है और उसके लिए पेड़ पौधा हरियाली ही एकमात्र रास्ता है। इस लक्ष्य पे हम लोग जिला न्यायालय सिवान में भी पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ सभी के लिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है, ये सभी हम जानते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ नहीं लगा पाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। राज्य सरकार, भारत सरकार का भी कई योजना चल रहा है जिसमें पेड़ मुफ्त में दिया जाता है, संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करके अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे विश्व में पर्यावरण अच्छा रहे। अभी COVID-19 के महामारी के दरमियान भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मृत्यु हुई है, तो काफ़ी ऑक्सीजन रहे, वातावरण शांत रहे, पेड़ लगाने से बाढ़ का प्रकोप भी कम होता है। हमारे बिहार में जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बाढ़ के कारण कई त्रासदी होती है, अगर नदी के किनारे कई पेड़ लगा रहे तो उससे कटाव भी कम होगा और नदी से आने वाले अच्छी मिट्टी वगैरह से खेती का भी अच्छा उपज होगा। तो यही निवेदन। सर, पेड़ तो लग जाते हैं, तो देख रेख नहीं करने के कारण पेड़ सूख जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या पार? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब जैसा आप लोग तो जानते होंगे कि राज्य सरकार का भी कई योजना है और पेड़ का कई बार बीमारी के कारण सूखता है, कई बार पानी नहीं देने के कारण सूखता है। तो ये आप संबंधित वन विभाग के पदाधिकारियों से हैं तो वो तो देख रेख तो करना ही पड़ेगा, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़, अगर आप उसको देख रेख संरक्षण नहीं करेंगे तो जंगली पेड़ तो रह जाएगा, लेकिन जो फलदार पेड़ है उस सब का देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। तो समय समय पर पानी, पौधा, कटाई, छटाई, जैसे एक मानव जीवन है वैसे ही पेड़ का भी है, वो जीव है। पेड़ लगाने का यही उद्देश्य है कि अभी हमने जो कोविड की महामारी थी उसमें हमने देखा कि काफ़ी लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हो चुकी है और आगे चल के भविष्य में ऐसी कुछ घटना ना घटे, इसलिए हम पेड़ लगाने का योजना लाए हैं और इस योजना के अंतर्गत 2022 तक नन्हे कदम के द्वारा हमें 1,00,000 पेड़ सिवान जिले में लगाने का संकल्प लिया। पेड़ तो लग जाएंगे लेकिन पेड़ का देख रेख कैसे होगा? लगाने को तो लगा देता है, उसका देख रेख नहीं हो पाता। बिल्कुल, इसका देख रेख हम लोग द्वारा किया जाएगा। और एक बात आपको मैसेज देना चाहूँगा, बहुत पहले आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी का, उन्होंने एक चिप्पू मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो जब भी कोई वृक्ष काटा जाता था तो वो वृक्ष से लिपट जाते थे, तो हर एक और आज ये जो अभी कोरोना महामारी फैली हुई है उसका मुख्य कारण वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की उपलब्धता पेड़ पौधों से ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगेगा उससे वातावरण में ऑक्सीजन फैलेगा और उतना ही व्यक्ति लाभान्वित होगा। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग पेड़ लगाएं, ग्रीनरी रखें, स्वच्छ वातावरण रखें। समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब कि ये आपको लगा नहीं है, इसमें कुछ मैसेज क्या देना है? आप सब तो आपके सामने है, मैसेज तो नेचर दे रहा है। ये हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये नेचर रिस्टोरेशन इसका थीम है, तो मतलब हमको इसको सही करना है। कितना पेड़ लगाने का लक्ष्य है कुछ है? हमारा लक्ष्य है ना कि 2021 से 22 सेशन में 1,00,000 पेड़ लगाना है। अब पेड़ का देख रेख कैसे किया जाएगा फिर? पेड़ का देखिए, हम लोग ऐसी जगह को ही चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे पेड़ का देख रेख, जैसे सरकारी आवास है, सरकारी प्रांगण है, उसमें क्या है कि वहाँ पे सब सुविधाएं होती हैं जो पेड़ को देख रेख सही से हो जाता किस है। किस संगठन के द्वारा ये लगाया जा रहा है? ये हमारा संगठन है नन्हे कदम, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। नन्हे कदम का क्या कार्य है, कैसे समाज की? नन्हे कदम का कार्य देखिए, अभी क्या था कि पहले इसका हम लोग अभी लॉकडाउन में गरीबों में अनाज दिए हैं और आपको पका हुआ खाना भी दिए हैं और वो चल ही रहा है,
उसी के तहत ये पर्यावरण को देखते हुए भी ये हम लोगों ने इसमें प्रोग्राम लेके आया है कि पौधे लगाएं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैसेज यही देना चाहेंगे कि नेचर बचा लिए तभी आप बचेंगे।